नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर, स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। अमेरिका में स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF को जल्द ही लॉन्च करने की मंजूरी की उम्मीद के बीच पिछले 18 महीनों में पहली बार बिटकॉइन कीमत $40,000 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा फेडरल रिजर्व की डोविश कॉमेंट्स ने पिछले 24 घंटों में लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में रैली के लिए आधार प्रदान किया। $40,000 के साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी वर्तमान में 1.6% की बढ़त के साथ $40,158 पर ट्रेड कर रही है। ईथर भी $2,200 से ऊपर पहुंच गया है। ये स्तर आखिरी बार मई 2022 में देखा गया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी वर्तमान में 2% ऊपर $2,211 पर ट्रेड कर रही है। ब्रॉडर मार्केट्स ने BTC और ईथर में पॉजिटिव सेंटिमेंट का संकेत दिया है। हालांकि लाभ बड़े पैमाने पर एक्टिव टोकन तक ही सीमित था। एक्सेप्शन बाइनांस का नेटिव टोकन BNB है, जो लगभग 1.5% नीचे था। ब्रॉडर मार्केट गेन्स ने पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप को 1% बढ़ाकर $1.5 trillion करने में मदद की। टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 2.4% बढ़कर $43.6 billion हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $5.2 billion है और सभी स्टेबल कॉइन्स $38.8 billion, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का क्रमशः 11.9% और 89% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 52.2% है, जो दिन के मुकाबले 0.25% अधिक है। IC15 इंडेक्स टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर 1.1% बढ़कर 50,396 हो गया। इसी बीच नवंबर ऑल्टकॉइन के लिए एक्सप्लोसिव गेन्स लेकर आए हैं। अवलांच का नेटिव टोकन AVAX पिछले महीने में लगभग दोगुना हो गया है, जो कि लार्ज कैप डिजिटल इकोसिस्टम और एसेट्स में सबसे अधिक है। इस खबर से लाभ हुआ है कि फाइनेंस जायंट JPMorgan और अपोलो रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन का परीक्षण करने के लिए नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। हीलियम, ब्लर, रून भी इस अवधि के दौरान प्रमुख लाभ प्राप्त करने वालों में से कुछ टोकन्स हैं। बाइनांस को पिछले साल नियामक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ $4 billion का समझौता और इसके साथ ही CEO CZ को हटाने से मार्केट को शांत करने में मदद मिली। हालांकि कॉइनबेस और बायबिट जैसे प्रतिद्वंदियों ने अपनी मार्केट शेयर का विस्तार किया, जो मार्केट डायनामिक्स में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। कार्को एनालिटिक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि बाइनांस के सेटलमेंट के बाद कॉइनबेस ने एक ही महीने में 75% लाभ का अनुभव किया। बाइनांस की मार्केट शेयर में 4% की गिरावट के बावजूद इसके प्रभाव ने झटका कम कर दिया। बायबिट में 50% की वृद्धि और कॉइनबेस में 34% की वृद्धि हुई। कॉइनबेस की वृद्धि के बावजूद बाइनांस ने BTC और ऑल्टकॉइन के लिए लिक्विडिटी में अपना नेतृत्व बनाए रखा। बायबिट ने पिछले साल में अपनी लिक्विडिटी में सुधार किया है और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बाइनांस के बराबर हैं। इन परिवर्तनों के बावजूद बाइनांस लिक्विडिटी के मामले में दुनिया का लीडिंग एक्सचेंज बना हुआ है। क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैशटैक्स ने अपनी स्पॉट बिटकॉइन ETF प्रपोजल का एक रिवाइज्ड वर्जन प्रस्तुत किया है, क्योंकि कंपनी जानवी 2024 में स्पॉट बिटकॉइन ETF एप्लीकेशन पर USSEC के अंतिम निर्णय के लिए तैयारी कर रही है। रिवाइज प्रपोजल स्पॉट बिटकॉइन को उसके बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF के साथ जोड़ता है, जिससे कि टिकर को हैशटैक्स बिटकॉइन ETF में बदल दिया जाता है। मर्जर में ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस शामिल होंगे, जिसमें कि बिटकॉइन ETF जारी करने के लिए जिम्मेदार ट्रस्ट एंटिटी में बदलाव और ETF स्पॉन्सर में बदलाव शामिल हैं। हैशटैक्स ने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और ऑब्जेक्टिव को बनाए रखने का इरादा बताया है और प्रस्तावित नियम परिवर्तन का उद्देश्य इन्वेस्टर्स की सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करना या कंपेटिटर्स पर बोझ डालना नहीं है। इथेरियम साइड चेन रॉलिन ट्रेडर्स के लिए अपने क्रिप्टो वॉलेट को फंड करना आसान बनाने के लिए फाइनेंस पे के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। फाइनेंस पे ट्रेडर्स को एक्सचेंज पर अपने फंड तक पहुंचने और इसके बाहर उनका उपयोग करने की अनुमति देता है। स्काई मार्विस द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया रॉलिन मिलियंस ऑफ डेली यूजर्स के लिए एक स्केलिंग सोल्यूशन के रूप में बनाया गया था। हालांकि मार्च 2022 में नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट से जुड़े एक हैकिंग क्रू लिजारस ग्रुप द्वारा 173,600 ETH और 25.5 मिलियन USDC के लिए $600 मिलियन मूल्य के प्रोटोकॉल को एक्सप्लॉइट किया गया था। मास्टरकार्ड ने जनरेटिव AI द्वारा संचालित अपना शॉपिंग असिस्टेंट
शॉपिंग मूव्स लॉन्च किया है। एआई पावर्ड असिस्टेंट कंज्यूमर्स को रिटेलर के कैटलॉग में प्रोडक्ट को खोजने और डिस्कवर करने में मदद करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज और कंटेक्चुअल रिकमेंडेशन का उपयोग करता है। ये कंज्यूमर्स की बोलचाल की भाषा का अनुवाद करके इन स्टोर ह्यूमन एक्सपीरियंस को फिर से बनाता है और टेलर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देता है। मास्टरकार्ड का दावा है कि चैटबॉट एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की यूनिक प्रोफाइल इंटेंट और एफिनिटी से मेल खा सकता है और समय के साथ बातचीत के संदर्भ पर निर्माण करके ऐसे परिणाम भी दे सकता है जो कि सबसे विलक्षण प्रश्नों से भी पूरी तरह मेल खाते हैं। सिस्टम टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के बजाय विजुअल सिमिलैरिटीज के आधार पर प्रोडक्ट को रेकमेंड करने के लिए एडवांस्ड इमेज और इसके साथ ही रेकमेंडेशन टूल्स का भी उपयोग करता है। चाइनीज टेक जायंट अलीबाबा ने क्लाउड बिजनेस को छोड़ने के बाद रीस्ट्रक्चरिंग एफर्ट के तहत अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग यूनिट को बंद कर दिया है। कंपनी अपनी लैब और इक्विपमेंट झेजियांग यूनिवर्सिटी को डोनेट करेगी जिससे 30 एम्प्लॉयज को प्रभावित होने की आशंका है। अलीबाबा का दावा है कि सबसे अधिक प्रभावित कर्मचारियों को झेजियांग यूनिवर्सिटी द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। 30 रोल्स इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के केवल एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं और ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये निर्णय चीन के साथ सेमीकंडक्टर ट्रेड पर यूएस बैन के कारण मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से जुड़ा हो सकता है। इसने चीन की क्वांटम कंप्यूटिंग प्लान को धीमा कर दिया है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया ने इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है। मोज़िला ने लामा फाइल पेश किया है जो एक ओपन सोर्स सॉल्यूशन है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के डिस्ट्रीब्यूशन और उपयोग में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। टेक्नोलॉजी LLM वेट को एक सिंगल बाइनरी फाइल में परिवर्तित करके प्रोसेस को सरल बनाती है जो 6 प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टमों के साथ संगत है, macOS, Windows, Linux, FreeBSD, OpenBSD और NetBSD। यह हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग इंस्टॉलेशन की आवश्यकता को समाप्त करता है जिससे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में LLM का कंसिस्टेंट और रिलायबल रिप्रोडक्शन सुनिश्चित होता है। ये इनोवेशन उन डेवलपर्स और रिसर्चर्स के लिए महत्वपूर्ण है जो इन मॉडल्स की सटीकता और स्थिरता पर भरोसा करते हैं। ये सॉल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने अपने स्टाफ के लिए Web3 पर एक एजुकेशनल करिकुलम बनाने के लिए Algorand फाउंडेशन को नियुक्त किया है। Algorand ब्लॉकचेन अकादमी 22,000 से अधिक UNDP एम्प्लॉयर्स और अन्य एजेंसियों के लिए अवेलेबल होगी जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर ध्यान केंद्रित करेगी। बीटा वर्जन Q1 2024 में शुरू होगा और पूरे साल जारी रहेगा। UNDP रिसर्च और डेटा एनालिस्ट रॉबर्ट पैसेको द्वारा घोषित पहल UN प्रैक्टिशनर्स को ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान करने के लिए उपकरणों से लैस करेगी। Algorand इकोसिस्टम प्रोजेक्ट, हिसाब पे, होलचेन, कॉइन बैंक्स और क्वांटम टेंपल के प्रतिनिधि इस पहल में भाग लेंगे। हांगकांग हॉस्पिटल अथॉरिटी ने रेजिडेंट्स के बीच सुपरबग इन्फेक्शन में वृद्धि की सूचना दी है जिसमें वन कॉमनसन रेजिस्टेंट एंथेरोकोकी और कैंडिडा ऑरस शामिल हैं जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। अथॉरिटी के चीफ इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर रेमंड ले ने NDROs में वृद्धि के लिए COVID-19 पैंडमिक और COVID-19 रोगियों के लिए आइसोलेशन वार्ड के एलोकेशन को जिम्मेदार ठहराया। 2020 में कैनेडा और इसके लगभग 200 केसेस की पुष्टि की गई लेकिन 2023 तक ये संख्या 300 से अधिक हो गई जिसमें मृत्यु दर 80% से अधिक हो गया। वनकॉमिसन रेजिस्टेंट एंटरकॉकी के लिए डेटा से पता चलता है कि 2021 में 40 रोगियों से बढ़कर 2023 की तीसरी तिमाही तक 140 हो गया। इस पब्लिक हेल्थ चैलेंज से निपटने के लिए हॉस्पिटल अथॉरिटी ने इन्फेक्शन ट्रेंड और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की पहचान करने के लिए एक AI पायलट शुरू करने की योजना बनाई है। पायलट कॉर्शुम में प्रिंसेस मार्गरेट हॉस्पिटल और शॉटन में प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल के बीच एक पार्टनरशिप है और 2024 के ज़्यादातर समय तक चलने वाली एक लेयर्ड प्रोसेस में इसे 17 अन्य अस्पतालों में शुरू किए जाने की उम्मीद है। बिटकॉइन स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड उत्साह ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो एसेट में री इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया है। पिछले हफ्ते रिकॉर्ड 346 मिलियन इन्फ्लो दर्ज किया गया है। कॉइन शेयर के अनुसार ये पिछले 9 हफ्तों के इन्फ्लो में देखा गया उच्चतम योग है। CME में क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट के ग्लोबल हेड
जेवानी वर्सिसो ने कहा कि क्रिप्टो डेरिवेटिव में मार्केट में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की वापसी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि इस क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन के आगे बढ़ने का एक स्पष्ट संकेत है। फंड्स के फ्रेश इनफ्लो ने टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को 18 महीने के उच्चतम स्तर $45.3 बिलियन पर पहुंचा दिया है। ब्लूमबर्ग ETF एनालिस्ट जेम्स सेफाट का अनुमान है कि स्पॉट बिटकॉइन फंड को जनवरी के दूसरे हफ्ते के दौरान मंजूरी दे दी जाएगी। ETF स्टोर प्रेसिडेंट नेट किराची ने चेतावनी दी कि अगर SEC JBTC को अन्य स्पॉट BTC ETF लॉन्च के साथ लिस्ट में शामिल करने की अनुमति नहीं देता तो बड़े पैमाने पर अराजकता होगी। जब क्रिप्टो में निवेश की बात आती है तो इंस्टीट्यूशन आमतौर पर रिटेल में अग्रणी होते हैं। पिछले 5 हफ्तों में वीकली इन्फ्लो में ईयरली हाईज और स्पॉट मार्केट कैपिटलाइजेशन में 24% की वृद्धि देखी गई है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.freewordstv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।